शाम होने आई है, गाड़ी तैयार है यहाँ पर। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला, दो शेर शाहों के बीच का मुकाबला ये। दोनों टीम है तैयार, टॉस का समय राजस्थान रॉयल्स का है, हेड और हेड से गिरा है तो वो करेंगे बॉलिंग, राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग। और पहली गेंद और एक रन चुरा लिया है, एक रन से शुरुआत की अपनी इनिंग्स की पंजाब ने। ये लीजिए चौका, क्या नजाकत भरा शॉट था, और ये उठा के दिया है चार रन के लिए। ओ क्या नजाकत भरा शॉट, मुझे पसंद आया ये शॉट। ओ क्या मारा है यहाँ पर, चार रन चार रन, क्या शॉट मारा, एज लग के गया चार की तरफ। दो खिलाड़ियों के बीच से मारा है, ये भी मिलेंगे चार रन। युजवेंद्र चहल बोल, क्या विकेट, बेहतरीन। चहल के फिरकी से नहीं बच पाओगे आप, क्या गेंद देखिए, ओ क्या स्पिन, क्या लेग स्पिन था ये। मयंक अग्रवाल को जाना पड़ेगा पवेलियन की रास्ते की ओर। बोल्ड, युजवेंद्र चहल के खिलाफ मत करना चालबाजी, ये जना आप छोड़ते नहीं है, आपको सीधा मिडल स्टंप उखाड़ दिया। भानुका राजपक्षे, बहुत ही छोटी सी पारी युजवेंद्र चहल के सामने, और ये उठा के दिया है सीधा कैच। ये क्या कर रहे, क्या सोच रहे आप, सामने वाली टीम को विकेट गिफ्ट में दे रहे हैं क्या। थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा पंजाब को अब। आउट, क्या कैच, फंसा दिया इनको। देखिए क्या गेंद डाली है, कटर थी या क्या मारा, और सीधा कैच, बहुत ही आसान कैच। शाहरुख खान भी आउट हो गए हैं। और एक रन मिलेगा यहाँ पे, दो की मांग, नहीं गोर, या सीधा डायरेक्ट हिट, गए काम से। क्यों भाग रहे थे आप, फील्डर के हाथ में गेंद देखे, मतलब पंजाब मुझे लग रहा है कि गली के बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। कितना आसानी से आउट कर दिया है ऋषि धवन डक बनाकर। युजवेंद्र चहल के सामने तो आप चालबाजी किए ही मत। बॉल, क्या बॉल था, देखिए क्या बॉल था, क्या टर्न हुआ था, क्या टर्न करके सीधा बोल्ड। रन बोल्ड वापस एक बार आते हुए, और यहाँ पर चौका हो सकता है कि नहीं, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, और ये तीसरा रन लेने, नहीं दो रन सिर्फ। ये उठा के दिया है सीधा कैच, क्या कैच है, क्या रिएक्शन। ट्रेंट बोल्ट भाई साहब, क्या बॉलिंग डालते हो आप, बैट्समैन को छक्का ही नहीं मारने दिया, बेहतरीन कैच पकड़ा वहां पे संजू सैमसन ने। लियाम लिविंगस्टन को जाना पड़ेगा आखिरी ओवर, और ये आखिरी ओवर के पहले गेंद पे चौका। बोर, ये अपील, अंपायर संतुष्ट नहीं, रिव्यू लेंगे राजस्थान इस बार। देखिए और पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट सेटिंग, अंपायर को फैसला बदलना पड़ेगा भाई साहब, बदलना पड़ेगा। अनिल चौधरी जी ने फैसला बदला है, और यहां पर नवदीप सैनी ने कहा विकेट, वैभव रावत आउट। आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद पे दे दिया है, मुझे लगता है ये आराम से चौका जाएगा, जी हाँ। और एक छोटी सी टोटल, छोटा सा टोटल पंजाब किंग्स का, बहुत ही मतलब बैटिंग
बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है उनकी। राजस्थान रॉयल्स का बॉलिंग कार्ड देखे तो एकदम चमक रहा है। युजवेंद्र चहल 3 विकेट और अश्विन 2 विकेट, मतलब स्पिनर्स ने पूरा सुला दिया पंजाब किंग्स को। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़ा टोटल नहीं है, आराम से मार सकते हैं। पहली गेंद यहाँ पर 2 रन मिलेंगे, नहीं मेरे ख्याल से 3 रन मिलेंगे। पहली शुरुआत बहुत ही अच्छी 3 रन के साथ। और ये गलत रन लिया, जरूरत नहीं थी इसकी। अभी देखना पड़ेगा, मुझे लगता है जी हाँ इन्हें जाना पड़ेगा वापस। गलत शॉट, देवदत्त पड़ीकल बिना कोई रन बनाए। ये शॉट, कड़क शॉट, 4 रन। ये देखिए उठा के मारा है जॉस बटलर। ये हवा में उठा दिया, कैच होगा कि नहीं? नहीं, ये 4 रन मिलेंगे इन्हें। थोड़ा संभल कर खेलना होगा। ये देखिए कैच, क्या दूसरा विकेट भी गया। मैं कह रहा था थोड़ा संभल कर खेलिए, पर नहीं, यहाँ पर जल्दबाजी में दूसरा विकेट खोना पड़ा। संजू सैमसन भी आउट। ये दिया सीधा 4 रन। शॉट, वापस 4 रन, वापस 4 रन। और यशस्वी जायसवाल आउट। क्या रिएक्शन टाइम, क्या बेहतरीन कैच, तीसरा विकेट। बहुत ही जल्दबाजी कर रही है राजस्थान, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए अपने विकेट्स खो रहे हैं। देखिए बटलर का शॉट, 4 रन। और ये उठा के दिया है यहां पर सिमरन हेटमायर्स, 6 रन, पहला 6। ये 2 खिलाड़ियों के बीच से निकाला है सिमरन हेटमायर ने, 4 रन मिलेंगे। और एक 6, ये ओवर बहुत ही बड़ा होता जा रहा है, 6 रन। ये देखिए बहुत ही अच्छा शॉट, ये तो 4 जाएगा, कोई नहीं है वहां पर, कोई फील्डर नहीं है। और ये सीधा सीधा 6 रन, 4 रन माफ कीजिएगा, थोड़ा पहले गिरा एक बाउंस। ये सीधा, ये यहां पर फील्डर है पर पहुंच नहीं पाएंगे, 4 रन। और ये बटलर का शॉट, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, मैच भी खत्म कर दिया। और ये राजस्थान रॉयल की रॉयल जीत, हम इसे कहेंगे रॉयल जीत। देखिए बटलर और सिमरन हेटमायर ने तो पूरा काम ही तमाम कर दिया पंजाब का। 3 विकेट गिरने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई टेंशन में, क्योंकि टारगेट तो बहुत कम था और 4 ओवर बच गए पूरे, और जीत लिया राजस्थान ने ये मैच। फिर मिलेंगे आपके साथ।